नमस्कार, मैं दीक्षा जयपुरियार। आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी की खास पेशकश खेला होबे। एकता फुटबॉल टूर्नामेंट का चौथा दिन कुछ ज्यादा ही खास रहा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए बिहार की टीम पहुंची। बिहार के खिलाड़ी इस खेल में बहुत पहले से चर्चित थे। आपको बताते चले कि चौथे दिन के खेल में भी दो मैच खेले गए, जिसमें पहला मैच रफीगंज बिहार बनाम मिलन क्लब रांची खेला गया, जिसमें रांची की टीम बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद एक गोल करते हुए जीत दर्ज की। वहीं अगर हम दूसरे मैच की बात करें तो दूसरा मैच तेरथ स्पोर्टिंग क्लब पाली और किंग इलेवन क्लब बरतुआ के बीच खेला गया, जिसमें बरतुआ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3-0 के अंतर से पाली को हरा दिया। मैच के दौरान दर्शक काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि यह खेल दो बड़े टीमों के बीच था। उरमांझी रांची और रफीगंज बिहार दोनों ही टीमें अपने अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा लोकप्रिय है। दोनों टीम अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए हमेशा से जानी जाती रही है। इस वजह से इस मैच में कुछ ज्यादा ही रोमांच देखने को मिला। मैच में दोनों ही टीमों की जबरदस्त भिड़ंत हुई, कोई किसी से कम नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि गोल करने की इस लड़ाई में उरमांझी रांची की टीम सफल हो गई और इसी एक गोल की बदौलत रांची उरमांझी ने विजय बिगुल फूंक दिया। जीत भले ही उरमांझी रांची की टीम की हुई, मगर दर्शकों का दिल रफीगंज बिहार के खिलाड़ियों ने जीता। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रफीगंज बिहार के खिलाड़ी करण कुमार रहे।
भी बड़ा ही रोमांचक साबित हुआ। आपको बता दें, दूसरा मैच पाली और बर्तुआ के बीच में खेला गया, जिसमें बर्तुआ की टीम ने 3-0 के स्कोर के साथ एक जबरदस्त जीत दर्ज की। इस खेल के दौरान दर्शक पूरे जोश के साथ खिलाड़ियों का अभिनंदन कर रहे थे, क्योंकि बर्तुआ खुटरा गांव के बगल में ही है जहां पर यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है, तो उन्हें होम ग्राउंड होने का भी भरपूर सहयोग मिला। इस रोमांचक मैच के मैन ऑफ द मैच 2 गोल के साथ छोटू रहे। टूर्नामेंट की हर एक दिन के खबर सबसे पहले अपने पास पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज डेली हर्षित टीवी को। हम रोज आपको दिखाएंगे एकता फुटबॉल टूर्नामेंट के कुछ खास लम्हे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मैच के नए खबर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।